तो सबसे पहली बात आती है कि विंटनल है क्या, क्यों यूज करते हैं इसको। तो जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जो ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है, जैसे मान लो एक गाड़ी हो गई या एरोप्लेन हो गया, उसके ऊपर हम अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसके ऊपर कोई हमने एयर का फ्लो देखना है कैसा है, उसके एयर का फ्लो है उसके ऊपर कैसे, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, जैसे कि लिफ्ट फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, ये सारे अगर एक्सपेरिमेंट्स हमें करने हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को हमेशा हवा में मूव करा के देखेंगे। तो बल्कि इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए इंजीनियर्स क्या करते हैं कि एक रूम में विंड टनल बनाई होती है उन्होंने, उस विंड टनल के टेस्ट सेक्शन में हम उस ऑब्जेक्ट के छोटे से मॉडल को रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक साइड से हवा एंटर करवाते हैं, उसके ऊपर हवा जैसे जैसे फ्लो पैटर्न्स बनते हैं उसके ऊपर, तो वहां से हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो विंड टनल इज एन एरोडायनामिक डिवाइस यूज टू टेस्ट एंड एनालाइज द बिहेवियर मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ एयर अराउंड एनी इंजीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होते क्लासिफिकेशन ऑफ विंड टनल स्पीड के बेस पे कैसी है, सबसोनिक विंड टनल, सुपरसोनिक विंड टनल, हाइपरसोनिक और ट्रांसोनिक। जैसे जैसे स्पीड हम बढ़ाते रहेंगे एयर की, उस हिसाब से हमने चार क्लासिफिकेशन दे रखी हैं। अकॉर्डिंग टू द शेप, शेप के हिसाब से दो होती हैं, ओपन सर्किट विंड टनल और क्लोज सर्किट विंड टनल। ओपन सर्किट विंड टनल के बारे में बताता हूँ। ओपन सर्किट विंड टनल का मतलब क्या है कि उसमें एक तरफ से एयर हम भेजेंगे, इस साइड से एयर अगर जाती है तो इस साइड से एयर बाहर चली जाएगी और वो उस रूम में प्रेजेंट होगी, ऐसे सर्कुलेट करती रहेगी रूम से। जबकि क्लोज सर्किट में क्या होता है कि हम एक पूरा अपरेटस बनाते हैं कि यहां से एयर एंटर करेगी और पूरा रोटेट करके वही सेम एयर वापिस अंदर आ जाएगी। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि हमें वही सेम एयर चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हमारी एयर हमें रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसकी विस्कोसिटी ज्यादा चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है, कभी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कभी टेम्परेचर कम चाहिए। और जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बार बार हम उसकी वेलोसिटी बार बार बढ़ाते रहें, कम करते रहें। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से जो एयर बाहर चली गई, जो नई फ्रेश एयर आएगी उसकी वेलोसिटी हमें फिर से बढ़ानी पड़ेगी, उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर हमने चेंज करी थी तो फिर से चेंज करनी। तो बार बार ये करने के बजाय एक क्लोज सर्किट बनाते हैं तो जिससे वो पैरामीटर सेम रहते हैं। इसके बाद आती है हाँ सबसोनिक विंड टनल। सबसोनिक विंड टनल के अंदर ही दोनों आती हैं, ओपन सर्किट विंड टनल एंड क्लोज सर्किट विंड टनल, और इसमें मैक नंबर होता है 0.4। मैक नंबर पता होगा आपको। इसके बाद आता है सुपरसोनिक विंड टनल, इसमें मैक नंबर ये, इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। हाइपरसोनिक विंड टनल हाई स्पीड वाली होगी, हाइपरसोनिक। ट्रांसोनिक विंड टनल मैक नंबर ये होता है। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ विंड टनल। इसमें हमने जैसे कंपोनेंट बनाएंगे तो जैसे कि सेटलिंग चैम्बर हो गया, एक एक मिनट, सेटलिंग चैम्बर, कॉन्ट्रैक्शन, टेस्ट सेक्शन, डिफ्यूजर, ड्राइव सेक्शन। तो एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। ये कैड मॉडल बनाया था, इसके ऊपर लेबलिंग करी है पेंट का यूज करके, ये दोनों बनाए हैं। ओके, इसके बाद सेटलिंग चैम्बर। सेटलिंग चैम्बर का यूज क्या है, किस लिए लगाया हमने? तो जो हमारी एयर होती है ना, एयर के अंदर की जो टर्बुलेंस हमें कम करनी है, तो उस लिए यूज होता है इसका। स्ट्रेटन्स आउट द एयर एंड रिड्यूस द टर्बुलेंस। जैसे एयर के अंदर एडीज होते हैं, स्वर्लिंग एडीज, तो कुछ एडी एडी से जाते हैं, तो जब इस पाइप के थ्रू पास करेंगे तो बिल्कुल एयर स्ट्रेट हो जाएगी। तो इससे हमारे रिजल्ट अच्छे रहते हैं एयर को स्ट्रेट करने के लिए। स्ट्रेटन आउट द एयर दिस सेटलिंग चैम्बर का हम यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्शन कोन। कॉन्ट्रेक्शन कोन का काम यह है कि जैसे हमें पता है कि जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो
इस लार्ज एरिया से अगर छोटे एरिया की तरफ जाते हैं एग्जिट में वेलोसिटी में ज्यादा मिलेगी। जो टेस्ट सेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर जो एयर की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा ही मिलेगी उसको, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन कोन का हम यूज करते हैं, टू इंक्रीज द विंड वेलोसिटी इन द टनल। ओके, अगला आता है टेस्ट सेक्शन। ये तो पता ही है, इसमें हमने मॉडल रखना होता है अपना और इसके ऊपर टेस्टिंग करनी होती है। यहां से हम देख सकते हैं, यहां से व्यू, इस साइड से व्यू और अपर से व्यू। डिफ्यूजर, डिफ्यूजर, डिफ्यूजर का काम क्या होता है कि कीप्स द एयर रनिंग स्मूथली। इसका क्या मतलब है, अभी इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिफ्यूजर। ये हमारी बॉडी है जो विदाउट डिफ्यूजर है और ये हमारी बॉडी है विद डिफ्यूजर। तो है क्या चीज, तो हमें पता है जो बाहर का एटमोस्फेयर है ना, ये बाहर का जो एटमोस्फेयर है पूरा बाहर का, इसका प्रेशर कितना है? इसका प्रेशर है 1 atm। ऑलराइट, और जो इसके अंदर की एयर है विंड टनल के अंदर से जो हम एयर पास करवा रहे हैं इसका कितना है प्रेशर? इसका प्रेशर होगा लेस देन 1 atm। तो अंदर से जो एयर आ रही है वो लेस प्रेशर से आ रही है और जो बाहर प्रेशर है वो हाई प्रेशर है। तो एज वी नो कि जो मोशन फ्लूड का मोशन होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो हाई प्रेशर तो बाहर है और लो प्रेशर अंदर है, तो इसका मतलब फ्लो तो इस साइड होना चाहिए। तो इसकी हाई वेलोसिटी है, तो यहां से जो पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल आ रहा है अंदर से बाहर की तरफ, तो जो बाहर हाई प्रेशर है वो इसको रोकने की टेंडेंसी रखता है थोड़ी सी, मतलब कुछ उसकी एनर्जी ले लेगा, बैक प्रेशर के कारण कुछ एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, एनर्जी लॉस हमने मिनिमम रखना है, तो इसके लिए हम डिफ्यूजर का यूज करते हैं। और डिफ्यूजर इसमें कैसे आता है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा। प्रेशर इंक्रीजेस जेंटली, कह लो जेंटली, प्रेशर इंक्रीजेस देन फाइनली बिकम्स 1 atm। तो इससे क्या होता है कि जब जेंटली प्रेशर रिड्यूस होता है तो हमारे एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो यही मेन कारण है, एनर्जी को बचाना, इसको स्मूथली चलाना, यही काम है डिफ्यूजर का। इसीलिए ही इसकी लेंथ बड़ी होती है ताकि जेंटली प्रेशर इंक्रीज करे, एकदम से अब्रप्ट ना हो जाए, चेंजेस ना आ जाए, जैसे एयर का फ्लो बिगड़ ना जाए। एयर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी डिफ्यूजर का यूज होता है। ओके, इसके बाद ड्राई सेक्शन है। ड्राई सेक्शन में हमारा फैन लगा होता है, फैन, ये रेफरेंसेस, ये अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तीनों का। और ये जो लास्ट वाला लिंक है ना, इसी से ही मैंने डायमेंशन उठाई हैं जो मैंने कैड मॉडल बनाया है। जो भी मैंने कैड मॉडल बनाया है वो इस डायमेंशन, इस स्टैंडर्ड डायमेंशन का यूज करके बनाया है। तो अगर आपका कोई प्रोफेसर वगैरह आपसे पूछता है कि डायमेंशन आपने कैसे यूज करी हैं, तो ये नासा की जो साइट पे इन्होंने डायमेंशन दी हैं इसको आप दिखा सकते हो। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।